सिनेमा, टेलीविज़न और थिएटर, ये तीन अलग माध्यम है, लेकिन एक ही माध्यम है। क्यों माध्यम एक है? क्योंकि हमें तो करेक्टर को जीना, चाहे मैं सिनेमा में करेक्टर को जीऊँ, चाहे टेलीविज़न में करेक्टर को जीऊँ, चाहे थिएटर में करेक्टर को जीऊँ, बट इनकी टेक्निकलिटीज़ अलग हो जाती हैं। तो हमें सिनेमा में, टेलीविज़न में और थिएटर में इन टेक्निकलिटीज़ को दिमाग में रख करके काम करना चाहिए। ये हमेशा अलर्ट रहिए, सजग रहिए, वो टेक्निकलिटीज़ क्या हैं वो आपको सीखनी है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज मेरे साथ हैं गुरुवर, और एक ऐसे गुरुवर जो कि जिंदगी में कभी कभी थोड़ा सा उथल पुथल लाते रहते हैं। वेलकम टू joinfilms सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी, ये जो गुरुवर हैं ये क्या है, ये क्यों इतना बवाल लाते हैं और उस बवाल की वजह से 500 एपिसोड तक खिंच गया इंटरेस्टिंगली? गुरुवर, अगर गुरुवर है, एक तो गुरुवर बेसिकली बहुत मज़ेदार इंसान है, बहुत मज़ेदार किरदार है, और ये कि भरपूर किरदार है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि किरदार इतना भरपूर किरदार होगा। ये हमारे नाट्य शास्त्र में 9 रस है और 24 भाव है, तो मुझे लगता है कि ये 9 के 9 रस इस किरदार में है। ये किरदार जो है हंसता भी है, हंसाता भी है, रोता भी है, रुलाता भी है, क्रोधित भी होता है, जेलस भी है, ईर्ष्या भी है, घमंड भी है, डरता भी है, हर तरह के भाव इस करेक्टर करेक्टर के अंदर है। मकसद इसका एक है कि किसी तरीके से इस पंडित रामा कृष्णा को सबक सिखाना है, और वो पंडित रामा कृष्णा के ऊपर विजय पाना चाहता है, और बस वो एज तक पहुंचता है, फिर उठा के पंडित रामा कृष्णा दे पटखनी मारता है तथाचार्य को, दे तथाचार्य नीचे। तो वो बेसिकली टॉम एंड जेरी, एक वो जो है ना, वो टॉम एंड जेरी वाला मामला चल रहा है, तो कभी टॉम कभी आगे, कभी जेरी पीछे, कभी जेरी आगे, कभी टॉम पीछे, वो खेल चल रहा है। तथाचार्य जो है एज एन एक्टर आपको मतलब मालामाल कर दिया है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि भरपूर किरदार है, बहुत कम होता है। मेरी लकी, ये तो ईश्वर की कृपा है कि ये किरदार मेरी झोली में आया और मैं इस किरदार को निभा रहा हूँ। वेरी थैंकफुल टू सब टीवी, आई एम वेरी थैंकफुल टू कॉन्टिलो पिक्चर्स। पंकज जी, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, मैं अगर बताऊँ तो मेरा आपके लिए जो पहला अनुभव था वो था गुल गुलशन गुलफाम। जी जी, 1989 जब बस टीवी के दौर की शुरुआत सी हुई थी, थोड़ी सी गोल्डन पीरियड, भारतीय टेलीविजन के गोल्डन पीरियड की शुरुआत। वो करेक्टर के बारे में बताएं कैसे मिला, क्योंकि मौके बहुत कम थे जगह बनाना। जी, वो क्या है, बेसिकली वो सिनेविस्टा का शो था। उससे पहले सिनेविस्टा में मेरा एक शो सांझा चूल्हा आता था, गुल गुलशन गुलफाम से 2 साल पहले। तो सांझा चूल्हा में जो दयाला का किरदार बहुत बड़ा हिट हुआ था, तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो करेक्टर कितना बड़ा हिट हो गया, मैं तो काम करता था बस। तो वो सिनेविस्टा वालों ने वो करेक्टर को देखा था, तो उन्होंने बोला इस एक्टर को ढूंढ के लाओ कहीं से। तो मुझे वो ढूंढा गया और मुझे वो कथा सागर में काम दिया गया। तो कथा सागर की मैंने उनकी स्टोरीज़ की 2, तो बहुत बड़ी हिट हुई। और उसके बाद उन्होंने सीधे उठा करके मुझे बोला एक दिन कि आइए, आपके लिए गुल गुलशन गुलफाम में एक किरदार है। और गुल गुलशन गुलफाम के लिए हम लोग कश्मीर चले गए, और गुल गुलशन गुलफाम शुरुआती दौर में सिर्फ कमीशन सीरियल था, 13 एपिसोड का। और 13 एपिसोड का कमीशन सीरियल था वो, जो हम शूटिंग करने जा रहे थे, शूटिंग के दौरान ही उसको उन्होंने सिनेविस्टा वालों ने स्पॉन्सर कैटेगरी में डाल दिया, और वो स्पॉन्सर कैटेगरी में अप्रूव हो गया, और वो शो आगे बढ़ गया, और वो शो अमर हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो काम साबित हो जाता है, टैलेंट साबित हो जाता है, वो काम भी काम दिलवाता है। जी बिल्कुल, वो तो हमेशा मतलब फिर लोग भी ढूंढते हुए पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं गुल गुलशन गुलफाम का जो करेक्टर कादिर, जिसको आज भी लोग याद करते हैं, बहुत मतलब मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे दिन 2-4 लोग मिल जाते हैं, अरे आप गुल गुलशन गुलफाम के कादिर, वहाँ जैसे अभी आपने कादिर का जिक्र किया, तो वो मुझे लगता है कि बिकॉज कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो, मुझे मेरा ये मानना है कि ऑडियंस के जहन में अमर हो जाते हैं। तो ये गुल गुलशन गुलफाम शो भी और ये करेक्टर भी अमर हो चुका है। तो आपने इतने सारे करेक्टर किए, जैसे ये करेक्टर, मुझे लगता है कभी कभी क्या एक्टिंग में कभी कभी ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है, कभी ऐसे किरदार मिलते हैं जिस तरह से ये भरपूर है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज क्या है, तो इसको मैं ओवर एक्टिंग नहीं कहूँगा, ओवर द टॉप कहूँगा। कई बार हमें ओवर द टॉप जाना पड़ता है, बिकॉज थोड़ा सा, बिकॉज ये करेक्टर जो है कभी कभी थोड़ा सा ऊपर जाता है, और बिकॉज वो इसकी करेक्टराइजेशन में शामिल है, और नॉर्मल जिंदगी में भी ऐसा होता है, नॉर्मल जिंदगी में भी ऐसा होता है, आपके मूड्स बदलते रहते हैं, तो ऐसे ही इस करेक्टर के भी मूड बदलते हैं। ओके, तो आपने हर रंग देखा है इस मीडिया इंडस्ट्री का, मतलब जब दूरदर्शन से शुरुआत हुई, उसके बाद आप बीच में फिल्मों में भी गए, और उसके बाद आप बहुत सारे GEC आ गए, वेब सीरीज आ गए, तो ये जो बढ़ते हुए मौके देख रहे हैं आप अपने करियर के साथ साथ, इनको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए क्या है कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि आज मुझे 30-32 साल हो गए, मैंने 3 decades देख लिए हैं इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री को बदलते हुए देखा है, और खुशकिस्मत हूँ कि आज भी मैं काम करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने को समय के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। और समझदार आदमी भी वो होता है जो समय के भाव से बहता चला जाए, वरना आप पीछे रह जाएंगे रेस में।
तो मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। और मेरे लिए मेरा ये हमेशा से मानना था और आज भी मानना है, मेरे लिए हर दिन नया दिन होता है। तो जब मैं घर से निकलता हूँ तो ये सोच के चलता हूँ तो मेरी शुरुआत है, तो वो इस वजह से वो एनर्जी, वो ताज़गी हमेशा बनी रहती है। तो और मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे और आगे लंबे तक लेके जाएगी। बिल्कुल लेके जाएगी। पंकज जी, जब आपने शुरुआत की थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि तब मौके बहुत कम है, क्योंकि शायद आज की जनरेशन ना समझ पाए इस बात को, लेकिन मैं उसका गवाह हूँ। क्या वाकई ये डिसीजन लेना कि एक्टर बनना है? मैं बेसिकली एक्टर बनने नहीं आया था, मैं ये बात हमेशा क्लियर कर दी, मैं कभी एक तो हीरो बनने नहीं आया था, एक्टर बनने नहीं आया था, ग्लैमर की वजह से नहीं आया था, मैं एक्टर था इसलिए मैं इंडस्ट्री में आया था। क्यों था? क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि इंसान को अपने आप को एनालाइज़ कर लेना चाहिए, हफ्ते में आधा घंटा अपने आप से बात कर लेनी चाहिए कि वो कहाँ खड़ा कर कहाँ स्टैंड करता है, क्या वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लस क्या है माइनस क्या है, एनालाइज़ कर लेना चाहिए, रियलाइज़ कर लेना चाहिए, उसके बाद फाइनलाइज़ कर लेना चाहिए। तो मैंने वही चीज़ हमेशा निभाता रहा हूँ। और बेसिकली मेरी थिएटर की ट्रेनिंग रही है, मैं थिएटर से हूँ, मैंने एमेच्योर थिएटर किया, फिर मैंने ड्रामा में डिप्लोमा लिया डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से, फिर मैंने ड्रामा में एमए किया डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से, और मैं पहला गोल्ड मेडलिस्ट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से। और लकीली मैंने बेस्ट ऑफ थिएटर किया, मैंने हिंदी क्लासिक प्ले किए हैं, संस्कृत क्लासिक प्ले किए हैं, इंग्लिश क्लासिक प्ले किए हैं, वेस्टर्न क्लासिक प्ले किए हैं, पंजाबी क्लासिक प्ले किए हैं, और सभी में मुझे मेन रोल ही मिला करता था, आई वॉज सो लकी। तो वो सब सीखा मैंने और सब चीज़ें मेरे अंदर चलेंगी। तो हाँ, एक चीज़ अगर मुझे तब थिएटर में पैसा मिल जाता, रोज़ी रोटी मिल जाती, तो शायद मैं बॉम्बे नहीं आता। तो मैंने थिएटर की ट्रेनिंग के बाद रिपेट्री ज्वाइन की थी, एक मतलब मैंने 16 जून को ज्वाइन की थी, 17 जून को छोड़ दी थी। मुझे नहीं भाया था, श्रीराम रिपेट्री मैंने ज्वाइन की थी, मुझे अप्रेंटिस के तौर पर लिया गया था, और मुझे मेरी सैलरी थी 750 रुपया। तो तब तक मुझे फिल्म मेरी मिल चुकी थी जिसके लिए मुझे बॉम्बे आना था। तो बस ये सब चीज़ें मुझे खींच के बॉम्बे ले आई, और बॉम्बे में ये सोच के तो कभी नहीं आया था कि मुझे हीरो बनना है या मुझे ग्लैमर की वजह से, नहीं, चकाचौंध मुझे बिल्कुल चकाचौंध बॉम्बे की नहीं लेके आई थी, मुझे एक्टिंग करनी है, मेरा एक्टिंग पैशन बन गया था, मुझे बस उस हिसाब से काम करना था। तो जो किरदार मुझे थिएटर में करने को मिले तो उससे वो भूख इतनी बढ़ गई कि मैं चाहता था कि मुझे ऐसे ही किरदार मिलते रहें और मैं करता रहूँ। और वो जो करने की जो इच्छा थी, जो इच्छा शक्ति थी, जो भूख थी, जो तड़प थी, वो मुझे यहाँ तक लेके आया। कमाल है। तो आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने थिएटर के ज़माने में, और आज आप कैमरा एक्टिंग करीब 30-32 साल से कर रहे हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता नए एमेच्योर एक्टर को ये बताने के लिए कि बेसिकली दोनों मीडियम का डिफरेंस क्या है। सिनेमा, टेलीविज़न और थिएटर, ये तीन अलग माध्यम है लेकिन एक ही माध्यम। क्यों माध्यम एक है? क्योंकि हमें तो करेक्टर को जीना, चाहे मैं सिनेमा में करेक्टर को जीऊँ, चाहे टेलीविज़न में करेक्टर को जीऊँ, चाहे थिएटर में करेक्टर को जीऊँ, बट इनकी टेक्निकलिटीज़ अलग हो जाती हैं। तो हमें सिनेमा में, टेलीविज़न में और थिएटर में इन टेक्निकलिटीज़ को दिमाग में रख करके काम करना चाहिए। ये हमेशा अलर्ट रहिए, सजग रहिए। वो टेक्निकलिटीज़ क्या हैं वो आपको सीखनी है, एक लंबा प्रोसीजर है। वो आप सीखिए, वो जानिए और उस हिसाब से आप काम कीजिए। एक्टिंग करियर में सक्सेसफुल होने के लिए एक्टिंग के साथ साथ क्या एटीट्यूड, बिहेवियर भी ज़रूरी है? ये मायने रखता है। मैं एटीट्यूड, मेरे में एटीट्यूड है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड मैं हमेशा मानता हूँ। कभी नखरे मत करो, हंसते खेलते काम करो, हाँ अपने किरदार को जियो, बाकी कभी मत सोचो, क्योंकि कोई नहीं जानता अगला क्षण क्या होने वाला है। यहाँ बड़े बड़े, मैंने जहाज़ों को डूबते हुए देखा है इस फिल्म इंडस्ट्री में, बड़े बड़े जहाज़ डूब गए। काम करो, सहज बने रहो, सरल तरीके से काम करो, हाँ अपनी पूरी श्रद्धा से, मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से खूब अच्छा काम करने का प्रयास करो। थैंक यू पंकज जी, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे पंकज जी, पंकज बैरी जी, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, इतने सीनियर एक्टर हैं, कितने कमाल के उन्होंने रोल किए, जो भी रोल किए उस पर रजिस्टर किया अपने आप को ऑडियंस के सामने। एक बहुत ही अच्छी बात सिखा गया बात हुआ था कि खुद को एनालाइज़ कीजिए, रियलाइज़ कीजिए और फिर फाइनलाइज़ कीजिए। उनका कहने का मकसद बिल्कुल साफ था कि सिर्फ सोचिए मत कि एक्टर बनना, एक्टर की टेक्निकलिटीज़ को समझिए, चीज़ों को समझिए, जब आप सीखेंगे तो आप भरे हुए होंगे और आप कामयाब जरूर होंगे। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए।
ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल जॉइन फिल्म्स.